देखी जा रही है। राजस्थान में शराब की दुकानों के लिए आबकारी विभाग ने आवेदन मांगे हैं, लेकिन लोगों ने इतने आवेदन किए कि लाइसेंस वितरण से पहले ही आबकारी विभाग मालामाल हो गया। सरकार को जिस तेजी से राजस्व मिल रहा है उसे देखते हुए सरकार आवेदन की तारीख भी बढ़ा सकती है। आबकारी विभाग को अब तक 60,000 आवेदन मिले हैं। अब तक सरकार को 160 करोड़ रुपए का राजस्व मिल चुका है। आवेदन की आखिरी तारीख 27 फरवरी है। आबकारी विभाग को 1,500 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान है। आवेदन की तेजी को देखते हुए सरकार अंतिम तिथि भी बढ़ा सकती है। आबकारी नीति लागू होने के बाद में राज्य में, पूरे राज्य में काफी उत्साह लोगों को है। अंग्रेजी और देसी शराब के दोनों के लिए काफी सारी मात्रा में आवेदन आ रहे हैं, और गत वर्ष की ट्रेंड के हिसाब से हम देखें तो आने वाले जो 4 दिन है इनमें काफी मात्रा में आवेदन आने वाला। गहलोत सरकार ने नई शराब नीति जारी की है। बताया जा रहा है कि नई पॉलिसी को देखते हुए ही आवेदन में तेजी आई है। नई पॉलिसी के मुताबिक अंग्रेजी शराब पर 20 की बजाय 24% मार्जिन मिलेगा। बियर पर 22 की जगह 25% मार्जिन मिलेगा। इतना ही नहीं, सुरक्षा राशि को भी 10 से घटाकर 1,00,000 कर दिया है। इसके अलावा लाइसेंसधारी को MRP से भी 5% ज्यादा कीमत वसूलने का अधिकार दिया है। हमारे 27 तारीख तक लास्ट डेट रखी है आवेदन की, और 3 तारीख तक जो जिन लोगों ने आवेदन किए हैं वो हमारे यहाँ पे क्या नाम डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, और 7 तारीख को जो भी आवेदन है, 1 से अधिक यदि किसी दुकान पे कोई आवेदन पे आए हैं तो उनकी लॉटरी निकाली जाएगी। बहरहाल शराब कारोबार में कमाई करने के लिए इस बार लोगों ने लाखों रुपए खर्च किए हैं। परंपरागत रूप से शराब कारोबार से जुड़े कई व्यापारियों ने 100-100 आवेदन भी किए हैं। जो भी हो, राज्य सरकार को भरपूर राजस्व मिल रहा है, जिससे आबकारी विभाग उत्साह में है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।